क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय टीम वर्ल्ड कप में आज सबसे बड़ा मुकाबला खेलने जा रही है। टेबल के दो टॉपर्स के बीच में मुकाबला है। साउथ अफ्रीका के साथ आज भारत का मैच है और आज जो भी जीतेगा वो टेबल के टॉप पर फिनिश कर सकता है और इसीलिए नंबर वन बनने की होड़ है। तो इसीलिए कोलकाता से सुबह सुबह खबर आई है कि कप्तान रोहित शर्मा ने टीम को बदल दिया है। बुजुर्ग तूफान की एंट्री हो गई है। रोहित शर्मा ने अचानक सुबह सुबह फैसला लिया और यही नहीं, ईडन गार्डन में कैसी है पिच, किसको करेगी मदद, कैसा वाला है मौसम, बारिश के क्या हालात हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके टीम को लेकर, रोहित के फैसलों को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो सबसे पहले आपको कोलकाता का मौसम ही बताते हैं। तो आज यहाँ बारिश होने की संभावना सिर्फ 20% यानी कि बारिश नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि उमस भी नहीं है, सिर्फ 60% उमस यहाँ पर है। लिहाजा बल्लेबाजों के लिए रन बनाना, दौड़ना आसान होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, पिच की बात करें तो शुरुआत में बल्लेबाजों को खूब मदद मिलेगी, लेकिन बाद में टूटने के बाद पिच स्लो हो जाएगी और स्पिनर्स को मदद मिलेगी, यानी कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना मुफीद होगा। अब टीम की बात करते हैं तो रोहित शर्मा ने सुबह सुबह टीम को बदला है। रोहित शर्मा शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है, जबकि तीसरे नंबर पर बर्थडे स्पेशल पारी खेलने के लिए तैयार विराट कोहली आएंगे, जो कि आज 35 साल के हो गए हैं। इसके बाद श्रेयस अय्यर और फिर केएल राहुल आएंगे, जबकि छठे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। ये कन्फर्म है, यानी कि बैटिंग ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं है। अब गेंदबाजों की बात करते हैं तो बदलाव यहीं पर हो रहा है। पहले खबर थी कि जडेजा को आराम दिया जाएगा, लेकिन अब कंफर्म खबर आ गई है कि जडेजा खेलेंगे और सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भी आएंगे। और इसके बाद रवि अश्विन की एंट्री हो रही है। जी हाँ, स्पिन फ्रेंडली विकेट है और इसीलिए करीब महीने भर तक बेंच पर बैठने वाले बुजुर्ग तूफान कहे जाने वाले रवि अश्विन को यहाँ फाइनली मौका मिल रहा है और आठवें नंबर पर आकर बल्लेबाजी तो करेंगे, साथ ही साथ अपनी फिरकी गेंदबाजी से अफ्रीका को नचाने का काम करेंगे। तीसरे स्पिनर भी टीम में कुलदीप यादव यहां पर टीम में मौजूद हैं और तीन स्पिनर यहां पर हैं, तो तेज गेंदबाज सिर्फ दो ही रखे जा रहे हैं, मोहम्मद शमी मोहम्मद सिराज यहां पर खेलेंगे, जबकि जसप्रीत बुमराह को यहां आराम दिया जा रहा है। फिलहाल सुबह सुबह कोलकाता से यही खबर आई है, टीम को लेकर, पिच को लेकर और मौसम को लेकर। तो आपका इस बदलाव का टीम में क्या कहना है, मौसम पर क्या कहना है, पिच रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, टीम में क्या आज टीम इंडिया अफ्रीका को हरा पाएगी, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।